राज्यसभा चुनाव में बीएसपी उम्मीदवार भीमराव अंबेडकर की हार के बाद बुआ बबुआ के दोस्ताने में दरार की आस लिए बैठी बीजेपी को आज मायावती ने गहरा सदमा दे दिया। एसपी और बीएसपी कार्यकर्ताओं को मिशन 2019 की खातिर अभी से जुट जाने का आह्वान कर मायावती ने बीजेपी की जीत के जश्न को फीका कर दिया है। समाजवादी पार्टी का अवसरवादी चेहरा एक बार पुनः प्रदेश की जनता ने देखा है, कैसे समाजवादी पार्टी दूसरों से ले तो सकती है लेकिन दे नहीं सकती। राज्यसभा की 10वीं सीट का दंगल जीतकर देर रात मीडिया के सामने नमूदार हुए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की जुबान पर आई इस पहली पंक्ति से साबित हो गया कि जीत के जश्न में भी उन्हें बुआ बबुआ का दोस्ताना बिल्कुल हजम नहीं हो रहा और मिशन 2019 जीतने के लिए इस दोस्ताने को तोड़ना ही होगा। लेकिन सुबह होते ही मायावती मीडिया के सामने आई और योगी के अरमानों में आग लगा गई। ये सोच रहे होंगे कि वाह वाह, बड़े लड्डू खाए होंगे रात भर। अब मायावती बहुत गर्म मिजाज की है, ये अलायंस टूट जाएगा और फिर 19 में जब चुनाव होगा 2019 में लोकसभा का हमारी बल्ले बल्ले हो जाएगी। मेरे ख्याल आज मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आज फिर उनकी हालत खराब हो जाएगी। कहने का तात्पर्य ये है कि कल जो भी राज्यसभा का नतीजा आया है उससे सपा व बसपा की आई नजदीकी में तिल भर भी असर पड़ने वाला नहीं है। मायावती ने पाला बदलने वालों की अंतरात्मा की आवाज कहने पर चुटकी ली। बीजेपी के सहयोगी पलटू राम की पटकथा कहकर भगवा पार्टी को घायल कर गईं। जो हमारा विधायक गया वो बोलता अंतरात्मा, अंतरात्मा नहीं थी, व्यवसायिक स्वार्थ की आत्मा थी उसकी। इनके सहयोगी दल के एक दलित विधायक श्री कैलाश नाथ सोमकर ने अपनी अंतरात्मा की आवाज पर, इसको मैं कह सकती हूँ।